वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास सेवन फॉर द इंग्लिश सब्जेक्ट अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल माय डियर एंड नियर स्टूडेंट्स लेट मी स्टार्ट बाय गिविंग यू सम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑफ योर फर्स्ट लेसन ऑफ दिस असेसमेंट सो स्टूडेंट्स द नेम ऑफ योर फर्स्ट लेसन इज रिवेंज इसको आप उर्दू में बदला भी कहते हो रिवेंज मतलब किसी चीज़ का बदला लेना the name shows that in this lesson someone is going to take revenge of something before starting the lecture let me tell you some basic information you will need to know about this lesson this story is told by an old burmese man now what is burmese burmese means a person belonging from burma तो बर्मा के एक बूढ़े शख़्स ने ये कहानी बताई है जो कि एक हाथी के बारे में है उस वक्त हाथियों से ये काम लिया जाता था कि लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े जिसको इंग्लिश में लोग या स्टीम कहते हैं आप अपनी इंग्लिश बुक के पेज नंबर थ्री पर तस्वीर में देख सकते हो इनको हाथी दरिया तक पहुंचाते थे और ज़्यादातर मसला ये पेश आता था कि जब ज़्यादा टुकड़े एक साथ जमा हो जाते थे तो वहाँ जैम हो जाता था जैसे ट्रैफिक जैम हो जाता है ना ऐसे ही ये लकड़ियों का जैम हो जाता था फिर हाथी उस जैम को अनब्लॉक करते थे यानी उस ढेर को अलग करते थे कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन की जाए यानी एक जगह से दूसरी जगह तक दर के इन बड़े बड़े टुकड़ों को पहुंचाया जा सके सो ऑन दैट टाइम एन इंग्लिश मैन मेके वाज द एडमिनिस्ट्रेटर ओवर द बर्मीस वर्कर्स एंड ही ऑर्डर्ड वन ऑफ द बर्मीस वर्कर हुज नेम वाज सिन ऑक टू अनब्लॉक अ मास ऑफ जैम्ड लॉग्स एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क सो सिक गेव दिस टास्क टू हिज नेफ्यू टू बी डन बट अनफॉर्चुनेटली हिज नेफ्यू वाज किल्ड बाय अ फॉलिंग लॉग और यहीं से कहानी शुरू होती है कि सिन ऑक का भतीजा जब मारा जाता है तो उसके भतीजे की हाथी जिसका नाम शिव डॉग था वो बदला लेना चाहती है मैके से जो मैंने आपको पहले बताया इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटर था वहां का इंचार्ज था द पर्सन हु इज टेलिंग द स्टोरी सेज दैट आफ्टर द डेथ ऑफ सिनॉक्स नेफ्यू व्हाट सिनॉक डिड इज ही चैंड हिज नेफ्यूज एलिफेंट बिटवीन टू ट्रीज एंड श्योर दैट इट कैन नॉट स्केप नाउ द स्टोरी टेलर वॉज इन अ अम्प विद एंड मैके सून The storm broke rain came pouring down with thunderstorm. garaj, se, jo hai bijjli, garaj Suddenly, they heard ringing of an elephant's bell. They did not believe it to be an elephant because Sinok has chained the elephant so tightly. But unfortunately, it was the Shoe Dog. ये वही हाथी थी जिसका मालिक मारा गया था वो बदला लेने के लिए अब मेके के पास आ रही थी द एलिफेंट ऑफ सिनॉक्स नेफ यू इट केम एंड ट्राइड टू अटैक ऑन मेके बट बिफोर इट मेके फायर एट द एलिफेंट एंड एलिफेंट वॉज अनएबल टू मूव बट द एलिफेंट डिड नॉट डाइट बिफोर टेकिंग द रिवेंज एंड अटैक्ड ऑन मेके एंड किल्ड हिम दिस वॉज योर फर्स्ट लेसन थैंक यू